खस्ते वाले खस्ते तो ये देखो खस्ते हैं आलू के साथ इन खस्तों का टेस्ट चुका है यहाँ का लुचई पराठा। आलू है मसालेदार और ये छोले। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे ताजा मट्ठा मट्ठा हो गया, नारियल पानी हो गया, जूस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, आप सभी का स्वागत है मेरे टाइम ब्लॉग में। तो दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आज के इस ब्लॉग में हम फिर से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आज हम जाने वाले हैं चौक लखनऊ, क्योंकि वहां के जायके की बात ही अलग है ओल्ड लखनऊ की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जो सिक्का चिक से दबाकर मेरी प्यारी सी रुकाने का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों हम लोग चौक आ चुके हैं, और सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले बक्से वाले खस्ते, जो कि लखनऊ के बहुत फेमस है और बहुत पुरानी, मतलब ये मैं कह सकती हूँ परंपरा टाइप की बक्से वाले खस्ते की। तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो अभी मैं आई हूँ चौक चौराहा, ठीक है, इधर ये कमला नेहरू मार्ग चौक लखनऊ लिखा है इसका एड्रेस, और यहीं पर ये दो तीन भैया जो है वो बक्से वाले खस्ते लगाते हैं। सो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको खस्ते। ये देखो खस्ते हैं यहाँ पर, और एक बहुत ज्यादा क्रिस्पी रहते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं, और ये है मेदू बड़ा। और आलू अंकल के पास देखो इतना मसालेदार वाला है, और इतना ही बचा है क्योंकि अंकल कितने बजे से, 8 बजे से आ गए थे और 9 तो बजी गए, 9:15 तक इनका खत्म भी हो ही गया लगभग, बस खस्ते बचे और मेदू बड़ा थोड़े बहुत बचे हुए हैं क्रिस्पी वाले। हाँ मीडियम, 3 तरीके के होते हैं। अच्छा पूरा पतेला हमको दे दो पतेले में जितना है मतलब चटनी, हरी चटनी के साथ मसालेदार आलू और खस्ते हैं। ये कौन सा मसाला स्पेशल? ये बहुत अच्छा मसाला रहता है, यहीं पे मिलता है, मतलब छोटे साइज लोगों का। तो दोस्तों हमने बक्से वाले खस्ते ले लिए हैं, और 25 रुपए के आपको 2 यहाँ पे खस्ते खाने को मिलेंगे। 2-3 यहाँ पे बक्से हैं जिसपे आपको खस्ते मिल जाएंगे, 3 तरीके के मिलते हैं। एक थोड़ा हार्ड होता है, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड, फिर मीडियम होता है, और फिर थोड़ा उससे सॉफ्ट होता है। तो अभी यहाँ पे मीडियम बचा था तो हमने वो लिया है, और मैंने टेस्ट भी कर लिया है। @punchoftwist वहाँ पे जाके फॉलो करिएगा, वहाँ पे अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डालती हूँ, और काफी चटपटा है ये, और ये मीडियम वाला भी इतना क्रिस्पी है ना, ये देखो, आई मेरा हाथ भी घुस गया। So, ये मुझे तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ड लग रहा है, एंड इसके अंदर मसाला रहता है, और ये मसालेदार आलू के साथ खाने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा ही क्रिस्पी है। मैंने मीडियम वाला लिया था, लेकिन ये भी मुझे बहुत क्रिस्पी लग रहा है, थोड़ा हार्ड, मतलब थोड़ा दिक्कत हुई मुझे फोड़ने में, लेकिन आलू के साथ इन खस्तों का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, अलग ही स्वाद लग रहा है। तो आप लोग भी इधर साइड आते हो तो ट्राई कर सकते हो, थोड़ा मतलब कुछ लोगों को ये खस्ते थोड़ा हार्ड भी लगेंगे, और कुछ लोगों को इनका क्रिस्पीनेस अच्छा लगेगा, तो मुझे आलू के साथ इसका अच्छा लगा टेस्ट। आलू बहुत अच्छा है, खस्ते आप लोग थोड़ा सॉफ्ट आने लोगे तो मे बी आपको थोड़ा क्रिस्पीनेस कम मिले। हमने खस्ता खा लिया है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बक्से वाले खस्ते सुबह सुबह यहाँ पे मिलते हैं, 5 बजे से शुरू हो जाते हैं मतलब खस्ता मिलना। तो जिनको ज्यादा क्रंची खाना हो, क्रिस्पी खाना हो, वो ज्यादा वाला ले क्रिस्पी वाला, जिनको मीडियम खाना हो मीडियम, और जो थोड़ा सॉफ्ट हो सॉफ्ट। हमने मीडियम वाला खाया, लेकिन वो भी बहुत क्रिस्पी सा था, लेकिन मसालेदार आलू के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम निकल के यहाँ से चौक की गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि चौक की गलियों में घूमने का भी अलग ही मजा है। आगे तो दोस्तों सर्दियों के टाइम पे यही चौराहा के सामने आपको मलाई मक्खन यहाँ पे खाने को मिलेगा, और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे ताजा मट्ठा छाछ आप बोल सकते हो, सो ये आपको पीने को मिल जाएगा। और मलाई मक्खन भी यार इस टाइम पे लगा हुआ है, एक ठेला मुझे यहाँ पे जो भैया वो दिख रहे हैं, अदरवाइज आप गर्मी में यहाँ पे ताजा ताजा मट्ठा का मजा ले सकते हो।
खस्ता खाकर, बक्से वाले खस्ता खाकर अब हम आए सतखंडा साइड, और आप लोग भी बक्से वाले जो खस्ते वो ट्राई करना, बहुत ही क्रिस्पी था। उसको ना ऐसा था कि आलू के साथ मतलब पूरा चूरा बना के उसको उसके बाद उसको मिक्स करके खाओ, ऐसे खस्ते थे वो। अगर आप मीडियम वाले लेते हो या फिर ज़्यादा ही क्रिस्पी वाले लेते हो, और एक सॉफ्ट वाले मैंने ट्राई नहीं करे, मीडियम वाले तो ट्राई कर सकते हो, उधर काफ़ी लोग खाते हैं मॉर्निंग टाइम में। यहाँ पे हमदन स्वीट्स एंड नमकीन करके है, जहाँ पे लुचई पराठा मिलता है। लुचई पराठा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो इट्स लाइक अ जस्ट मतलब ऐसा लगेगा आपको बहुत बड़ा सा भटूरा टाइप का है। सो ट्राई करते हैं यहाँ पे। यार वाह, ये है रायता, ये है लुचाई पराठा, और यहाँ पे आलू है मसालेदार, और ये छोले। तो दोस्तों ये मेरे सामने आ चुका है यहाँ का लुचाई पराठा, जो कि बहुत लोग खा रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक अ छोला भटूरा, मैं कहूंगी भटूरा है, चार भटूरा मिलाकर इतना बड़ा सा ये लुचाई पराठा बनाते हैं। और मैदे का ही है ये भी। ओ भैया, गर्मी लखनऊ का हाल बहुत खराब कर रहा है। पहले मुझे लग रहा था कुछ स्वीट सा होगा ये लुचाई पराठा, लेकिन सॉल्टी है, मतलब जस्ट लाइक अ छोला भटूरा, और काफी अच्छा लग रहा है। और ये 40 रुपए का प्लेट है, जिसमें आपको छोला और ये आलू मिलेगा, रायता मिलेगा, प्लस ये लुचाई पराठा मिलेगा। और बहुत लोग यहाँ पे इसको पसंद कर रहे हैं, तो बढ़िया। और ये जो छोला और ये है ना आलू, वो ज्यादा स्पाइसी नहीं है। सुबह सुबह ज्यादा स्पाइसी खा लो तो पेट अजीब सा हो जाता है। मुझे ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं पसंद है, और गर्मी से हाल आप देख ही रहे होंगे, लेकिन अब मज़ा बहुत आ रहा है इसको खाने में। तो आप भी इधर के साइड आते हो, चौक साइड, तो सतखंडा के सामने मिलता है हमदन स्वीट्स एंड नमकीन में, तो ट्राई कर सकते हो। तो गर्मियों का सीजन है, और गर्मियों में मट्ठा हो गया, नारियल पानी हो गया, जूस हो गया, ठंडा ठंडा पीते रहो। सो मैं भी यहाँ पे किसका छाछ यानी कि मट्ठा का मजा ले रही हूँ, सो पीते हैं। काफी गाढ़ा है, जैसे लस्सी होता ना वैसे ही है, बट नमकीन है, बहुत बढ़िया। सो दोस्तों सामने ही श्री कोनेश्वर महादेव जी का मंदिर है, यहीं पे मैं ये मट्ठा पी रही हूँ। यहाँ पे आपको दो तीन स्टॉल जो है ये शॉप्स दिख जाएंगी, तो मट्ठा है, लस्सी है, और फिर आपको ठंडाई भी यहाँ पे आप पी सकते हो, भांग वाली। यहाँ पे भांग वाली भी मिल रही है, प्लेन वाली भी मिल रही है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ मट्ठा, जो कि 25 रुपए का है। गर्मियों में ना पीने का ही मन करता रहता है, और मैंने आज काफी अच्छा ब्रेकफास्ट यहाँ पे चौक साइड किया है। सो आप लोग भी करिएगा, और ये मैं ठंडा ठंडा मट्ठा पी रही हूँ, जो कि 25 रुपए का है। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और नीचे प्यारे सा लाल कलर का बटन होगा, उसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरू फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। चल दिन, बाय बाय, टेक केयर।